Good morning, students. Today we will discuss differentiation exercise 5.4. Differentiation of exponential and logarithmic function. ठीक है, लॉगरिथम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं अभी पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में. अभी इस एक्सरसाइज में बेस है केवल, तो हम अभी इसमें ज्यादातर एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. और हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स होता है ई रेस्ट टू द पावर एक्स. ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है. कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो यूज हो सकती हैं. ठीक है, अदरवाइज ओनली चेन रूल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर, जैसे ई रेस्ट टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसमें कौन सा रूल हो रहा है, यू बाई वी. ठीक है, यू बाई वी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u by v क्या होता है, v डिवाइड डी एक्स ऑफ u माइनस u डिवाइड डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वेयर. क्लियर, तो यहां से आता है v क्या है हमारा साइन x एंड डिवाइड डी एक्स ऑफ e रेस टू द पावर x माइनस e रेस टू द पावर x डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर. तब डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स डिवाइड एक्स ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स और डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ऊपर के कॉमन आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज अवर आंसर. ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं, ई रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स एक्स. तो अगर इसको लेट कर लो, वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स एक्स. देखो इसमें क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स यूज करेंगे तो ई रेस्ट टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स इन टू डीवाई बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स में था क्या था, साइन इनवर्स एक्स. तो e रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट y इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर एक्स क्यूब. अगेन अगर dy बाई डी एक्स करोगे क्या मिलेगा, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स और dy बाई डी एक्स किसका होगा, चेन रूल के थ्रू एक्स क्यूब का. तो एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा. ओके, तो एक्सरसाइज 5.4 हम देख रहे हैं, इसके तीन क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू मोटर टाइम. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10. फोर्थ क्वेश्चन में है साइन टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स. सबसे पहले तो साइन इसको क्या मान लिया, टी मान लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन टी का कॉस टी. टी कितना है, टेन इनवर्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स. अब डी वाई डी एक्स किसका होगा, अंदर वाले का, अंदर क्या है, टेन इनवर्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स. ये क्या था, चेन रूल जिसको हमने टी माना उसका डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, तो ये तो आ गया कॉस टेन इनवर्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स. और अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करो, मतलब टेन इनवर्स एक्स का पता है हमको. ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. और एक्स यहाँ पे क्या है, ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर इंटू. अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का, क्योंकि अब यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू क्या थी, ई रेस टू पावर माइनस एक्स. यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स. ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा वन प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स का करोगे. ठीक है, माइनस एक्स का कितना आएगा, माइनस वन. तो ये हो गया टोटल इसका आंसर, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन
1 plus e raised to the power minus 2x. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पहले तो इसको लिख लो, y इक्वल टू e रेज टू द पावर रूट एक्स, और इसकी पावर में क्या लिख दो, 1/2। इस रूट का क्या मतलब है, 1/2 पावर। तो अब dy वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे तुम क्या होगा, इसको मान लो x, x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू, अब जो x माना है उसका डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, e रेज टू द पावर रूट एक्स। ये तो आ गया कितना, 1/ माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ मतलब कि 2, और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, e रेज टू द पावर रूट एक्स का रूट, e टू द पावर रूट एक्स का रूट, ये नीचे आ जाएगा, माइनस हाफ होगा तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। एंड इसका डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है। ठीक है, इन टू, पर ये x नहीं था, रूट एक्स था, डी बाई डी एक्स किसका होगा, रूट एक्स का। ठीक है, चेन रूल है ये, ध्यान रखना है, 2√ e रेस टू द पावर रूट एक्स इन टू e रेस टू द पावर रूट एक्स इन टू रूट एक्स का x पावर हाफ, मतलब हाफ x की पावर 1/2 माइनस 1, वन बाई टू रूट ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर क्या होगा, माइनस हाफ, तो नीचे आ जाएगा रूट एक्स। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या बना, ई रेस टू दी पावर रूट एक्स अपॉन यहाँ पे 2 × 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई रेस टू दी पावर रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, cos log x प्लस e की पावर x, तो अगर हम इसको y माने तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos पूरे को क्या मान लो, t cos t का माइनस sin t हो गया, t का करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ क्या, log x प्लस e की पावर x, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर एक्स, और इसका करोगे तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये सेम कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 + e^x / x, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 + e^x अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, जब उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ये इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी के जो बचे वो आपको होमवर्क में करने होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 and 9 ये क्या करने हैं आपको, होमवर्क में करने हैं। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस लॉग का यूज करते हैं जब हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए, तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा उसको देखते हैं। When two functions fx and gx, okay, fx and gx function of x, अगर ये दो function fx gx किसमें, x में, दोनों function x में है, और type कौन कौन से हो सकते हैं, type कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला तो fx की पावर में जी एक्स, ये मान लो fx की पावर में जी एक्स, जी एक्स की पावर में fx। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, fx1
fx2 fx3, मतलब कि ऐसे फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉग। और fx/gx अंडर रूट, तो भी हम यूज कर सकते हैं लॉग। ठीक है, इसमें भी रूट हो सकता है fx/gx, इसमें भी रूट हो सकता है। ठीक है, पर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जहाँ तक। ये मेन चीज़ है जो ध्यान रखनी है हमको, ये दो तीन फंक्शन है जिन पे हम लॉग यूज करते हैं। क्लियर, खासकर जहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ये पावर से पावर की फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो। ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, फंक्शन और फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लॉग यूज होगा। क्लियर, एक आध क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि वाई इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉस एक्स रेस टू द पावर साइन एक्स की पावर 10x, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स लेने से पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड। लॉग लिया हमने तो क्या बनेगा, ये लॉग वाई और इधर लॉग साइन एक्स रेस टू द पावर 10x। ठीक है, ये एफ एक्स और जी एक्स वाला फॉर्म है। ठीक, तो लॉग लिया हमने, अब लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग एक्स की पावर में एम है तो एम आगे आ जाता है, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 10x इंटू लॉग साइन एक्स, 10x इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर, अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे कितने हैं, दो फंक्शन है, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/y dy by dx, पढ़ा था इम्प्लीसिट फंक्शन, y के रिस्पेक्ट में log y का 1/y, फिर y का dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाओ तो 10x एज इट इज, log x का करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, log x का 1/x, x मतलब sin x, इंटू sin x का करोगे तो cos x, प्लस अब इसको एज इट इज रखो तो log sin x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10x का sec square x। क्लियर, ये है, देखो ये क्या बन रहा है, ये बना 10x into cot x plus sec square x log sin x। अब 10x और cot x मल्टीप्लाई में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1/y dy by dx is equal to 1 plus sec square x log sin x। ठीक, अब dy by dx क्या हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा, तो y 1 plus sec square x log a log sin x। ठीक, तो y की वैल्यू में रख दो तो dy by dx कितना आ गया, y कितना था, जनरल लाइट शुरुआत में था y, तो sin की पावर 10x ये हो गया 1 plus sec square x log sin x, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया, तो अगर ये एक फंक्शन है, अगर ऐसे दो होते प्लस के साथ में एक और ऐड होता है एफ एक्स की पावर जी एक्स, तब उस केस में हम क्या करते, एक को यू मानते एक को वी मानते, अलग अलग करते फिर लास्ट में ऐड कर देते। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी हम बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखो एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लो। शॉर्ट ट्रिक है कि dy by dx
और ट्रिक क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट, पहले इसको क्या करो, एक बार इसको रखो वेरिएबल और इसको कांस्टेंट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट फंक्शन टेकिंग कीपिंग का दो, कीपिंग जी एक्स कॉन्स्टेंट, और एक बार प्लस करो एंड डिफरेंशिएट फंक्शन कीपिंग एफ एक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार इसको वेरिएबल रखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या रखो, इसको रखो वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट रखो फर्स्ट टाइम में, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाने के बाद इसको कांस्टेंट रखो और इसको वेरिएबल कर दो, ठीक है। तो एक एक बार कांस्टेंट वेरिएबल लेना हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, पहले हमने जी एक्स को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन का, और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स की पावर टेन एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हो गया इसका एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इनटू ये तो कांस्टेंट था तो इसका तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा कांस्टेंट था तो, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए, इंटू लॉग ई बेस ए, ए मतलब साइन एक्स, हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो टेन एक्स क्या था, वेरिएबल था, तो एक्स का भी होगा, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, देख लो कॉमन क्या आ रहा है, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको अलग करोगे तो बनेगा साइन की पावर टेन एक्स, और एक बचेगा साइन की पावर माइनस एक्स, तो वहाँ से वो नीचे आ जाएगा, और उधर कितना बचेगा, साइन की पावर टेन एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर लॉग साइन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स बच रहा है, मतलब अपना कौन साइन, साइन से साइन कट जाएगा, सेक बचना चाहिए, यहाँ तो वन कैसे आ रहा है, इतना नोट करो फिर बताते हैं उसको, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स, मतलब दोनों एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप के फंक्शन है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है। तब एक एक को लेंगे, फर्स्ट हमने किया u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर x, ठीक है, टेकिंग लॉग log both side, दोनों साइड log लिया तो क्या हो जाएगा, log u, इधर लोगे तो क्या बन जाएगा, x log x
ये एक्स आगे आ गया, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ गया, वन अपॉन यू एंड डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स और दूसरा लॉग ऑफ लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का लॉग एक्स मतलब वन अपॉन एक्स, एक्स क्या है लॉग एक्स इन टू, फिर लॉग एक्स का करोगे तो वन अपॉन एक्स प्लस, इसको एज इट इज रखो, लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज रहेगा इन टू एक्स का किया तो वन आ गया, क्लियर। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स क्या बन गया, यू इधर चला जाएगा, यू यू की जगह आगे रख देंगे, वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये है हमारा डी यू ओवर डी एक्स। यू की वैल्यू भी रख सकते हैं, यू की वैल्यू रख देंगे तो वो आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड है वी इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स, अगेन क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड क्या होगा, तो ये लॉग बी बन जाएगा और वहाँ से लॉग एक्स आगे आ जाएगा इंटू अगेन लॉग एक्स बन जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स बन गया। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग बी का वन अपॉन बी डी बी बाई डी एक्स, इसको पहले वाले का एज इट इज रखा, दूसरे का किया तो वन अपॉन एक्स, फिर दूसरे को एज इट इज रखा, पहले का किया तो वन अपॉन एक्स, क्लियर। तो डी बी बाई डी एक्स कितना आ गया, वी इधर चला गया और ये क्या है लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये तो टू टाइम्स हो जाएगा। तो डी बी बाई डी एक्स क्या बन गया, वी की वैल्यू रख दो एक्स की पावर लॉग एक्स और अंदर कितना आ गया, टू टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, टू टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं या एक्स की पावर यहाँ पे माइनस वन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यू था हमारा ये, यू की जगह वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो इधर यू क्या रख देंगे, लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, क्लियर। यहाँ पे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स कितना आया, डी यू बाई डी एक्स आया हमारा लॉग की पावर एक्स, सॉरी लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स एंड अंदर में क्या है, वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स कितना आया, डी वी बाई डी एक्स आया एक्स की पावर लॉग एक्स इन टू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये आंसर। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको अगर एक्स की पावर ऊपर ले जाएं तो एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, या एच टू को इधर पावर में ला सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आंसर किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से करना है, दोनों फंक्शन को अलग अलग ले लेना है, इसको अलग इसको अलग, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, दोनों को ऐड कर, क्योंकि अगर हम एक ही बार में करेंगे तो जो बाहर ये वैल्यू आ रही है ये एक ही आएगी, लेकिन दोनों में अलग अलग है, इसकी अलग है इसकी अलग है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही बार हम पूरा क्वेश्चन देंगे तो एक ही पावर आगे आएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टार यूज करो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे इसकी अगले लेक्चर में, आप लोग भी घर में कुछ प्रैक्टिस करें, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फॉर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।